चार धाम यात्रा के दौरान पिछले दो दिनों से तेज बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा पर बुरा असर पड़ा हुआ था और अब लंबे इंतजार के बाद आज केदारनाथ धाम में मौसम के खुलने के साथ ही केदारनाथ यात्रा फिर से एक बार शुरू कर दी गई है। सुबह 6 बजे सोनप्रयाग और गौरीकुंड के अलावा अलग अलग पड़ावों में फंसे तीर्थयात्रियों को केदारनाथ धाम भेजा गया है। ऐसे में तीर्थयात्रियों ने भी राहत की सांस ली है, साथ ही हेलीकॉप्टर सेवाएं भी अब शुरू कर दी गई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि गौरीकुंड में केदारनाथ जाने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ा पड़ा है। यहां पर घंटों तक जाम की स्थिति बन गई है। मौसम खुला है लेकिन अब जाम की स्थिति में लोग परेशान हो रहे हैं। पिछले दो दिनों से हमने आपको बताया था कि मौसम खराब होने के चलते और तेज बारिश और बर्फबारी के चलते केदारनाथ धाम में जिला प्रशासन ने यात्रा पर रोक लगा दी थी, लेकिन आज सुबह मौसम खुलने के साथ ही सोनप्रयाग से 15,000 और गौरीकुंड से करीब 12,000 तीर्थयात्रियों को केदारनाथ भेजा गया है। इसके अलावा फाटा, सीतापुर और गुप्तकाशी से भी यात्रियों को केदारनाथ भेजा गया है। दो दिनों तक जोरदार बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा पर बुरा असर देखने को मिला था। जहां पर हर दिन करीब 15,000 से 16,000 तीर्थयात्री पहुंच रहे थे, वहां उन सभी यात्रियों को कहीं ना कहीं सुरक्षित जगहों पर रोका जा रहा था। अब तक भगवान केदारनाथ के दरबार में करीब 3,21,000 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। और अब पिछले दो दिनों से बारिश और बर्फबारी के बाद जब मौसम खुला है तो तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से लोग जो हैं वो केदारनाथ यात्रा पर जाने के लिए टूट पड़े हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके भारी भीड़ जो है वो केदारनाथ की तरफ अब रवाना हो रही है। ऐसे में प्रशासन के लिए भी काफी मुश्किल है इस तरह से भीड़ को संभाल पाना। लेकिन इस वक्त अगर आप केदारनाथ धाम जा रहे हैं तो पहले तो आप मौसम की जानकारी ले लें, दूसरा लगातार हम उत्तराखंड तक पर आपको ट्रैफिक से जुड़ी हुई और व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई खबरें लगातार दिखा रहे हैं, तो उसको जरूर देख लें जाने से पहले। चारधाम यात्रा से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए उत्तराखंड तक के साथ। धन्यवाद।